नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक या 9 बज आ रही, यानी वक्त हो गया है सुबह के नए और फ्रेश शो 9 बज गए का। एक घंटे तक आप मेरे साथ बने रहिए। बुलेटिन के इस हिस्से में होंगी देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें, बताएं कैसे बैट मार विधायक करता रहा असली बल्लेबाजी, और 9:30 बजे देखिए आपके शहर में आज क्या हो रहा है। तो बुलेटिन में चलते हैं आगे और शुरुआत करते हैं अंबाला से, जो खबर आ रही है बड़ी खबर अंबाला से। अंबाला के वायुसेना में जैगुआर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। पक्षी से टकराने के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हादसे में जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही जैगुआर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग अंबाला की इस हवाई पट्टी पर। यह बताया जा रहा है कि पक्षी से टकराने के बाद इस तरह से फैसला लिया गया कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाएगी। ये तस्वीरें अंबाला की उसी हवाई पट्टी की जहां पर जैगुआर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो जैगुआर एक फाइटर प्लेन, और ये देखिए तस्वीरें किस तरह से इसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया है जिसमें आग भी लग गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो पायलट था वो भी सुरक्षित है, और ये उस वक्त की तस्वीरें जब इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हालांकि कहा जा रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग की वजह पक्षी से टकराना था। और आइए अब आपको दिखा देते कि चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा है इस इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में। जब हम यहाँ पहुंचे तब तो आग ही थी, और ये जहाज गिरा के बता रहे हैं। हाँ, बाकी हम क्या सुनाई दिया था कि जहाज गिरा है, यहाँ पे क्रैश हुआ है, आग का नजर आई हमारे धुआं यहाँ पर एकदम से। तीन चार जहाज चढ़ रहे थे, फ्लाइंग हो रही थी। एक जहाज जो चौथा पांचवा जहाज था वो चढ़ा हुआ जहाज चढ़ते चढ़ते ब्लास्ट हो गया। क्या देखा आपने, आप मौके पे थे? मौके पे यही अंदर बैठे थे हम अपने, ये हमारा मेरा ही घर है ये। अच्छा, तो यहाँ से हम जैसे धमाका हुआ हम एकदम निकले तो आग ही आग, धुआं ही धुआं बहुत हो गया। पता लग पाया किस चीज में है धमाका? मंजीत नेगी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, क्या वजह बताई जा रही है इमरजेंसी लैंडिंग की? देखिए, जगुआर जो लड़ाकू विमान है एयरफोर्स का, उसने रूटीन फ्लाइट भरी थी अंबाला से, और एक पक्षी के टकराने से, एक बर्ड हिट होने से उसका इंजन खराब हो गया। एक इंजन के फेलर होने से जो जगुआर से कुछ जो लोड था वो गिराया गया, जिसकी वजह से धमाके की आवाज आई। और हालांकि पायलट की सूझबूझ से जो विमान था वो सुरक्षित वापस अंबाला एयरबेस उतार लिया गया, और बर्ड हिट होने की वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि पायलट की समझदारी की वजह से बड़ा हादसा होने से टला है। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है जगुआर का, एक इंजन फेलियर होने की वजह से वो धमाके की आवाज जो वहां पर चश्मदीद बता रहे हैं उसका धमाका हुआ है, लेकिन जो जगुआर लड़ाकू विमान है वो सुरक्षित है और पायलट सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपको। मंजीत हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरह से एक इंजन के फेलियर की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई, और ये इंजन फेलियर पक्षी के टकराने की वजह से हुआ, और पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जो कि G20 सम्मेलन की बैठक में शामिल होने के थोड़ी देर पहले ही ओसाका पहुंचे हैं। अपनी सरकार की दूसरी पारी में पीएम मोदी का ये पहला बड़ा कूटनीतिक दौरा है। जापान के ओसाका में आज से ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों का सम्मेलन शुरू हो रहा है। पीएम मोदी आज मेजबान प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात करेंगे, जिसमें आपसी कारोबार समेत तमाम मुद्दों पर बात होने की संभावना है। प्रधानमंत्री कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। जापान पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर बच्चों से मुलाकात, और साथ ही देखिए किस तरह से वहां के जो प्रवासी भारतीय हैं वो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे मोदी जी से मिलके। हमारे भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आए ओसाका में, और हम ओसाका वासी जो हम लोग भारतीय ओसाका में रह रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे छात्र ओसाका यूनिवर्सिटी के या फिर क्योटो यूनिवर्सिटी के आए हुए हैं, उन्हें बहुत खुशी हुई। हम लोग लगभग 1.5-2 घंटे से उनका वेट कर रहे थे, लेकिन मिलके बहुत अच्छा लगा उनसे। मैं ये मोदी जी से दूसरी बार मिल रही हूँ, ओसाका यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी हूँ, और मैं खासकर आज टोक्यो से मोदी जी से मिलने आई हूँ। उनसे एक गुजारिश भी है कि
बिहार के तरफ भी थोड़ा सा वो फोकस डाले। यहाँ बहुत हमारे भाई बहन ओसाका में सब उनका स्वागत के लिए आए और बहुत अच्छा लगा उनसे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।